स्टेट बार काउंसिल बा राज्य आईनजीवी परिषद पर मतदान हो 25 टी सभ्य पद पर निर्वाचन में अवतीर्ण होती मोट 96 जन प्रार्थी केवल संबलपुर को छाड़देले राज्यर अन्य समस्त जिलार आईनजीवी माने स्टेट बार काउंसिल निर्वाचन में अंशग्रहण करिसेंते। कर्फ्यू कारण संबलपुर में मतदान हो पारनी परिस्थिति सामान्य हेले सेठिकार आईनजीवी माने भोट देबे बोली कहिसेंते निर्वाचन अधिकारी तथा हाईकोर्टर अवसरप्राप्त विचारपति जस्टिस प्रमोद पटनायक। स्टेट बार काउंसिल बा राज्य आईनजीवी परिषद पर मतदान हो राज्यर 34,908 जन भैलिड भोटर एक प्रक्रिय सामिल होगा लगी व्यवस्था किंतु कर्फ्यू कटकणा लगी संबलपुर आईनजीवी माने मतदान प्रक्रिय सामिल हो पारिना परिस्थिति सामान्य हेले सेठारे भोट ग्रहण निर्वाचन अधिकारी तथा हाईकोर्टर अवसरप्राप्त विचारपति जस्टिस प्रमोद पटनायक। इलेक्शन चली सब जगार सुरखुरी चलती किंतु संबलपुर कर्फ्यू हो जबारु आमर वर्तमान पे फर्दर टाइमिंग आम स्थगित करचु फर्दर नोटिफिकेशन हेला परे जहाँ हम स्टेट बार काउंसिल 25 जन सभ्य को निर्वाचित करेंगे राज्यर 34,908 जन भैलिड भोटर एथर 96 जन प्रार्थी निर्वाचन में अवतीर्ण होती 167 मतदान केन्द्र हो बार काउंसिल निर्वाचन पर राज्यर समस्त आईन अदालत आज बंद रही जेहेतु 10 वर्ष पर बार काउंसिल निर्वाचन होेणु आईनजीवी महल में बेस उत्साह उत्कंठा भरी रही। गोटे जिनस आशा रखिया जो स्कैटर्ड हो रही यूनिटी जो किसी दिन आने हजि जाइए 9 वर्ष पर निर्वाचन हाबाक जाऊँ तेणु निश्चिंत भाव में आशा रखु वकिल मानक स्वार्थ दृष्टि एवं एकाग्रता दृष्टि निश्चिंत भाव में ये नुआवड़ी कार्य करें आम आशा और भरोसा जो सुजोग आोट दवापी आम राज्य बार काउनसिल को आम निर्वाचित करूँ जो मैंने कि आम दैनदीन जीवन दुख सुख समस्या आगामी समस्या असुविधा सुविधा आम चकआउट करेंगे समस्या समाधान करेंगे से भाई गोटे सुजोग पाइं तेणु आम मिनिमम अति कम 5 जन एवं मैक्सिमम 25 जन सभ्य मानक आम भोट दे सारूँ। आज सौभाग्यर कथा जे लंबा समय व्यवधान पर पाखापाखि 10 वर्ष पर आज निर्वाचन में भाग नापी आम समस्त को सुजोग मिलुची या निश्चित रूपे आज आम पाई एक गर्व और गौरव जो मैंने आईनजीवी आईन उपरे जो मानकर प्रोफेशन रही आज निश्चित रूपे एक सुवर्ण सुजोग। एप्रिल 21 रु भोट गणति कार्य आरंभ होगा लगी दिन धार्य होता किंतु संबलपुर भोट ग्रहण होगा पर जाई गणति प्रक्रिया आरंभ हो। कटक्रु कैमरा पर्सन देवव्रत स्वाई देवी प्रसाद महांती रिपोर्ट न्यूज 7।